हेलो दोस्तों, फोटोशॉप ट्यूटोरियल के सीरीज में आज हम सीखेंगे कि कैसे किसी भी शेप के अंदर हम अपनी फोटोज को लगा सकते हैं फोटोशॉप के अंदर। तो दोस्तों, मेरा नाम है तनवीर और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टैग विद तनवीर में। दोस्तों, इसके लिए चलिए चलते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और देखते हैं कि कैसे हम किसी भी फोटोज को किसी भी शेप के अंदर कैसे सेट करते हैं। तो मैं एक बात बोलना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या हमारी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे फोटोशॉप के अंदर किसी भी शेप के अंदर अपने फोटो को सेट करते हैं। जैसा कि आपके सामने एक उदाहरण है, आप देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से हाइड कर देता हूँ, कुछ इस प्रकार से कैसे हम सेटअप कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं। मैं इसको एक काम क्या करता हूँ, इसको मैं कट कर देता हूँ और मैंने यहाँ पे दो फोटोज ली हुई है, किसी भी एक फोटोज को मैं सेटअप करूँगा। आपको यहाँ पे दिख रहा है मेरे पास दो फोटोज हैं। सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, एक न्यू पेज ले लेते हैं। न्यू पेज के लिए फाइल मेनू पे चलते हैं, न्यू का ऑप्शन दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप अपने हिसाब से पेज सेटअप कर लीजिएगा, मैं थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ और फिर ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद सबसे पहले हम यहाँ से एक न्यू लेयर लेंगे, उसके बाद हम एक न्यू लेयर ले लेते हैं और न्यू लेयर लेने के बाद आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ कस्टम शेप टूल का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर जाने के बाद आप यहां से आपको जो भी इच्छा हो, आपको शेप का ढेर सारा डिजाइन दिया हुआ है, कोई भी डिजाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसा मैंने सैंपल में दिखाया उस प्रकार से हम यहां से शेप ले लेंगे और ड्रैग कर लेते हैं। शेप को लेने ड्रैग करने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल सा इंटर प्रेस करेंगे, कंट्रोल इंटर। हम यहां से रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट कर लेते हैं। रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करने के बाद अपनी फोटोज को सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ से जहाँ तक चाहिए। उसके बाद हम एडिट मेनू पर जाएंगे, एडिट मेनू पर जाने के बाद कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद हम अपने उस वाले पेज पे आ जाते हैं जिसके अंदर शेप को फिल करना है। फिर एडिट पे जाएंगे, एडिट पे जाने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा पेस्ट इनटू, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका फ़ोटो देख रहे हैं शेप अंदर आ गया। अब हम क्या काम करते हैं, अब अपने फ़ोटोज को जैसा आप चाहते हैं उस हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अब बात आती है कि अगर हमको बैकग्राउंड के अंदर कलर फिल करना है, तो यहाँ पे आपको तीन लेयर दिख रहा है, हम बैकग्राउंड लेयर को सेलेक्ट कर लेंगे। बैकग्राउंड लेयर सेलेक्ट करने के बाद आप इस पर आएंगे ग्रेडियंट टूल। अगर सिंगल कलर फिल करना चाहें तो ये पेंट बकेट टूल चूज करना होगा, ग्रेडियंट कलर चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ से जो भी आप चाहते हैं उस कलर को यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं, सपोज करिए जैसे ये वाला। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।